जनपद मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में अवैध रूप से मिट्टी का तेल ले जा रहे एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनके से 100 लीटर मिट्टी का तेल भी बरामद किया गया है। ठाकुरद्वारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया है। दरअसल मुरादाबाद जनपद में लगातार शिकायतें मिल रही है कि राशन की दुकानों पर मिलने वाले गेहूं और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसी कड़ी में ठाकुरद्वारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दीपक नाम के युवक को गिरफ्तार किया है जो कि अपनी बाइक पर अवैध रूप से 100 लीटर मिट्टी का तेल लेकर जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस चेकिंग के दौरान जब इस युवक को रोका तो उसके पास से 100 लीटर मिट्टी का तेल बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी को अपने गिरफ्त में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं इस मामले में ठाकुरद्वारा SDM ने बताया कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संबंध में जिलाधिकारी मुरादाबाद को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है ताकि भ्रष्ट राशन डीलरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। ये एक राशन डीलर हमारे यहाँ प्रमोद कुमार है, तो खबर ये लगी थी कि प्रमोद कुमार राशन डीलर के यहाँ से करीब लगभग 100 लीटर मिट्टी का तेल कोई लेकर के चोरी से जा रहा था। तो हम लोगों ने थाने को इंटीमेट किया और खबर दी तो पुलिस द्वारा ये पकड़ा गया। एक दीपक कुमार सनाफ स्वर्गीय मदन सिंह रूपपुर का है, इसने खरीदा था और डीलर का नाम है प्रमोद कुमार। इस वालों को भेज करके इसकी कार्रवाई कराई है और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई जो है जिलाधिकारी महोदय को हमारे द्वारा प्रसारित कर दी गई।